गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास जो हम एससीआर का लिए थे उसी के संदर्भ में उसको रिवीजन और कुछ एडिशनल मैं बता रहा हूँ। थायरिस्टर फैमिली में एससीआर आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थायरिस्टर फैमिली, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है थायरिस्टर। It has a highest rating of 5000 volt or 6000 ampere with switching frequency ranging from 1 kilohertz to 20 kilohertz. audible range से below कह सकते हो, 1 kilo audible range से ऊपर 20 hertz to 20 kilohertz है audible range, but 1 kilohertz to 20 kilohertz तक ही है frequency, switching frequency. Next, it is inherently a slow switching device as compared to BJT. BJT ke compare mein switching slow hai. Used as a latching switch. Latching switch jante ho? Latching switch hoti hai jab ek turn on condition mein ho gaya to wo turn on rahega. उस स्टेट में मेंटेन रहेगा, और उसको यदि कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट्स जैसे हमारे यहाँ गेट में गेट से टर्न ऑन करते हैं एससीआर को, गेट से टर्न ऑन करते हैं, लेकिन आफ्टर टर्न ऑन के बाद गेट हटाने से ऑफ नहीं हो पाए, राइट? तो इसीलिए इसको लैचिंग स्विच कहते हैं। लैचिंग स्विच दैट कैन बी टर्न ऑन बाय कंट्रोल टर्मिनल but cannot be turned off by the gate. Gate is controlling terminal. SCR का सिंबल है, ये लास्ट क्लास में बताया था, ये भी सब जंक्शन J1, J2, J3 लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ टू ट्रांजिस्टर टर्मिनोलॉजी, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द SCR, उसमें देखो ये PNPN जो है इसी में PNP और NPN दो ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर को मिला करके हम लोग टू ट्रांजिस्टर मॉडल बनाते हैं ताकि उसका एनालिसिस करा जा सके। तो देखो ये वही है पीएनपी और एनपीएन। तो यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर पहले बनाए हैं जिसमें ये एनोड है, जो एनोड थायरिस्टर का है, ठीक है, और ये अल्फा गेन है करंट गेन। करंट गेन कब? ये IC/IE, राइट? तो अल्फा वन है और ये Q1 ट्रांजिस्टर के लिए है, Q2 ट्रांजिस्टर के लिए NPN है, और ये अल्फा टू है, ठीक है। अब इसमें ये इस तरह से कनेक्शन रहेगा, जैसे देखो यहाँ N मतलब बेस से निकल रहा है, और इसके कहां से मिल रहा है, ये देखो बेस तो इसका P हो गया, ये कलेक्टर और ये इमीटर, एरो लगा हुआ है, इमीटर है और ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका जो ये जो टर्मिनल है IA, ये इमीटर हो गया, दूसरा टर्मिनल बेस हो गया। बेस जो है उसमें जी कनेक्टेड है गेट, और ये यही इसके बेस से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये ओपन है, इस तरह से कनेक्शन है। IA को IT थायरिस्टर करंट कह रहे हैं, और IB1 बेस करंट है, दैट इज इक्वल टू IC2। ये अल्फा Q2 ट्रांजिस्टर का कैपेसिटर है, तो दोनों बराबर हो गए, और IC1 और यहाँ है, यहाँ किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे तो IC1 प्लस IG इज इक्वल टू IB2, ओके। इस तरह से करते हैं। अब जनरल ट्रांजिस्टर इक्वेशंस ये है, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। ICBO क्या है? जब इमीटर को ओपन करोगे तो जो करंट होगा लीकेज करंट वही है ICBO,
रिवर्स बायस में रहेगा बेस कलेक्टर जंक्शन, और उससे जो करंट होंगे वही एसीबीओ है। तो ये बीटा प्लस बीटा आई बी एसी आईसी को हम अल्फा आईई प्लस आईसीबीओ भी कह सकते हैं, ठीक है। आईसीबीओ ये सब बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा इनटू वन प्लस आईसीबीओ आईसीबीओ प्लस आईबी, तो आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन ये अल्फा आई, ठीक है, प्लस आईसीबीओ, ओके। तो और वैसे भी जानते हैं हम लोग क्वेश्चन आई इज इक्वल टू आईसी प्लस आईबी और आईबी इज इक्वल टू आईई वन माइनस अल्फा, यही इक्वेशन दोनों याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये आईबी इज इक्वल टू आईई वन माइनस अल्फा माइनस आईसीबीओ। कंसिडर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन जब ट्रांजिस्टर का बात करेंगे तो IE1 होगा वही क्या है एनोड करंट है, और IC IC क्या है IC कलेक्टर करंट है, IC1 उसको हम नाम दे रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन, गेन करंट गेन जो होगा अल्फा वन होगा, और ICBO को ICBO1 कर रहे हैं क्योंकि हमको दो आएंगे, और IB इज इक्वल टू IB1 कर रहे हैं, तो IB1 इज इक्वल टू क्या होगा IA वन माइनस अल्फा वन माइनस आई सी बी ओ वन, ओके। ऐसे लास्ट इक्वेशन यहाँ देखे थे वही है। अच्छा एनपीएन ट्रांजिस्टर आई सी इज इक्वल टू आई सी टू, आई बी इज इक्वल टू आई बी टू, और आई इज इक्वल टू आई के, आई इज इक्वल टू आई के आई ए प्लस आई जी, ओके, आई ए प्लस आई जी। सर्किट में आप देख सकते हो आई के इज इक्वल टू क्या है, आई के इज इक्वल टू आई ए प्लस आई जी, ठीक है। तो आई सी टू इज इक्वल टू अल्फा टू आई के, आई सी टू इज इक्वल टू अल्फा टू आई के, आई के मतलब आई टू प्लस आई सी बी ओ टू, ठीक है, और आई सी टू इज इक्वल टू अल्फा टू आई ए प्लस आई जी प्लस आई सी बी ओ टू, ठीक है। आई के को यहां से लिख दिया है। अब देखो क्या होगा वेन आई जी, अब यहाँ देख लो हमारे पास आई सी टू आ गया है, और हम लोग ये देख रहे हैं जो IC2 is equal to इसमें से देखो IC2 is equal to IB1 है, तो इधर देखो IB1 है ये equation one, equation two IC2 है, दोनों बराबर कर दोगे और IA निकालोगे तो ये relation आपको मिलेगा, ये ऐसे ऐसे ये relation मिलेगा, right? तब जब IG is equal to zero कर दोगे तो ये term zero हो जाएंगे, तब बच जाएगा केवल यही ये टर्म बच जाएंगे। आइए तो वही लिखा है केस ए वन व्हेन आईसी इज इक्वल टू जीरो, तो आईसीबीओ प्लस आईसीबीओ टू आईसीबीओ वन प्लस आईसीबीओ टू वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा टू। अब इसमें देखो खास क्या है, जब इनिशियली करंट हम कम रखेंगे तो इसका वैल्यू कम रहेगा और ये टर्म पॉजिटिव होगा, ओके। इस तरह से करंट धीरे धीरे बढ़ेगी और जैसे जैसे ये हम बढ़ाते जाएंगे वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये सब टर्म धीरे 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 लगभग देखो ये सब सेचुरेशन वाला करंट है, लगभग सेचुरेट रहेंगे, ये टर्म बढ़ेंगे, ये अल्फा वन और अल्फा टू बढ़ेंगे और ये नियरली वन के आसपास जब आएगा तब बीबीओ रीच कर चुके रहेंगे, राइट। बीबीओ जब रीच करेंगे तो जब अल्फा वन अल्फा टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा तो बीबीओ रीच कर जाएंगे। ब्रेक और वोल्टेज लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे करेक्टरिस्टिक में, और वैसे आगे अभी हम दिखा देंगे आपको करेक्टरिस्टिक। तो इसमें अल्फा वन जब ये ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा करंट हो जाएंगे इसमें तो ये मान कहते हैं हम लोग जो थायरिस्टर ऑन हो गया है या SCR ऑन हो गया है, राइट।
क्लास टू केस टू वेयर आई जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये होगा, तब ये नॉर्मल इक्वेशन होगा, ठीक है। आई जी जब नहीं जीरो होगा तब देखो, तब करंट का वैल्यू क्या होगा, तब उसके जो जंक्शन जे टू का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक्युमुलेशन ये करंट जो है, ये करंट जो बढ़ेंगे उसके कारण वहां उसमें लीकेज करंट बढ़ जाएंगे, और जिसके कारण वो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, राइट। ये देखो ये आई बी वी बी ओ हम करें, वी बी ओ जहां आई अल्फा वन प्लस अल्फा टू इज इक्वल टू वन के आसपास हो गया, राइट। और उसके बाद की कंडीशन देखे थे, जैसे आप बढ़ाएंगे तो आई जी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ रहेगा तो पहले ही ब्रेकडाउन रीच कर जाएगा, ठीक है। ये बात ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, इसमें देखते हैं टर्न ऑन, इसको डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कहते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है। तो ये देखो ये क्या है, थायरिस्टर करंट है और ये गेट का है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक कब टर्न ऑन होगा, जैसे मान लो आपने आई जी टू को आई जी गेट करंट को आपने बढ़ाया धीरे धीरे, यहाँ वो 1% था, 10% था, और यहाँ जाकर के वो सेचुरेट हो गया, आई जी हो गया, और ये जो डॉटेड लाइन है ये 90% शो कर रहा है, यहाँ 90% होगा, 0.9 आई जी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये 90% पहुंचेगा तब जाकर के इसमें ये कुछ 1% के आसपास थायरिस्टर करंट होते हैं, जो करंट सेचुरेशन में होनी चाहिए उसके 1% होते हैं, लेकिन जब उसके आगे जब जाता है सेचुरेट होता है जब आई जी का वैल्यू, तब जाकर के इसमें 90% करंट होती है। और ये समय जो टी डी प्लस टी आर, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्न ऑन टाइम होगा, ये बहुत कम होता है, इसका वैल्यू बहुत कम, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकंड टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो एनोड टू कैथोड वोल्टेज, इसका SCR जब पॉजिटिव है तो करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, जब उसको नेगेटिव करेंगे तो एक बात और ध्यान दे रहा है, जब SCR एक बार टर्न ऑन हो गया, गेट को आप ट्रिगर करके टर्न ऑन कर सकते हैं, जब टर्न ऑन कर दिए तो गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसके बाद जैसे गेट से हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऐसा वो टर्न ऑफ नहीं होगा। तो अब देखो रिवर्स बायसिस में कर, वोल्टेज नेगेटिव कर दिए, रिवर्स बायस करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे 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 कम होगा, लेकिन उसका जो चार्ज है वो ये चार्ज स्टोरेज है, रिकवरी देख रहे हो टी वन पर है, टी टू पर वो चार्ज स्टोर हुआ है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ है, और टी थ्री तक जाकर के रिकम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब जाकर के ये जीरो। तो ये डिवाइस ऑफ टाइम है, टी क्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिवाइस टर्न ऑफ टाइम होगा, जब जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए। और सर्किट ऑफ टाइम, सर्किट ऑफ टाइम कब होगा, उससे आगे रिकम्बिनेशन भी होगा, तो यहाँ जाकर के सर्किट टर्न ऑफ होगा, ओके। मेथड ऑफ थायरिस्टर को ऑन करने का क्या क्या मेथड हो सकते हैं, एक थर्मल टर्न ऑन, थर्मल टर्न ऑन में थर्मली हम लोग जैसे कैरियर्स को एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है मतलब कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, और इस तरह से जो लीकेज करंट बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाने से वो जंक्शन आसानी से ब्रेक हो जाएगी और उसे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लाइट में भी वही करते हैं, एनर्जी जो वो सप्लाई होता है थर्मली ऊपर वाला में होता है और नीचे वाले में लाइट के थ्रू होता है, हाई वोल्टेज से हो जाएगा, जैसे वीबीओ पर देखे थे टर्न ऑन हो गया था, तो हाई वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तब भी
टर्न हो जाएगा। गेट करंट से तो टर्न ऑन हम लोग अभी देखे थे, डीवी बाई डी टी जो है इससे भी टर्न ऑन होता है। डीवी बाई डी टी क्या है? डीवी बाई डी टी में होता क्या है, जो कैपेसिटेंस बनते हैं, जैसे डायोड जहाँ रिवर्स बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, उसमें कैपेसिटेंस बनेंगे, उसमें चार्ज जो होगा क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी। अब देखो सी वी वेरिएबल है और वी वेरिएबल है। अब ये करंट जब निकालना होगा तो dQ by dt हम लोग करेंगे। dQ by dt ढंग से हो नहीं पा रहा है। dQ by dt is equal to C dV by dt plus V dC by dt, ठीक है? तो dC by dt भी बढ़िया, लेकिन dV by dt जो है इससे क्या हो जाएगा, ये इससे आपको करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर से वो ब्रेक डाउन आसानी से हो जाएगा और इस तरह से हमारा टर्न ऑन होता है। लेकिन यदि डीवी बाई डी टी का वैल्यू ज्यादा रखेंगे, इसके प्रिकॉशन भी रखना होंगे ना, तो आपका एससीआर जो है डैमेज भी हो सकता है, आई मीन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डैमेज हो सकता है। ओके चलो हम इसको अब इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, ये है ट्राइक। ट्राइक जो है ये बाय डायरेक्शनल है। अब देखो इससे पहले हम लोग देखे थे एससीआर क्या है। एससीआर का रेटिंग ज्यादा है, करंट रेटिंग अभी हम लोग देखे थे 6000 एम्पियर, 3000 एम्पियर वोल्टेज है। तो ये इसमें ट्राइक जो है, ट्राइक का भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड बायस का बात करेंगे तो वो एससीआर के तरह ही करैक्टरिस्टिक है, लेकिन ध्यान रहे इसकी रेटिंग कम होती है, इसकी रेटिंग वो एससीआर के कंपैरेटिव कम होती है। अब इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग को जब दोनों डायरेक्शन में सिमिलर करैक्टरिस्टिक चाहिए तब हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें MT1, MT2 जो है मेन टर्मिनल है, MT का मेन टर्मिनल, ये एक्सचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आप MT1, MT2 कर सकते हो। ये गेट, ये कंट्रोल्ड डिवाइस है, गेट कंट्रोल्ड है, और ये इसका PNPN डिवाइस ही है ये, इसको आप कह सकते हैं। इसका सर्किट सिंबल ट्राइक का इस तरह से हम लोग बनाते हैं, दो डायोड को अपोजिट डायरेक्शन में दिखा करके उसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे MT2 और नीचे ड्रॉ करेंगे MT1, ठीक है? और इस तरह से हम लोग आप दिखा सकते हैं। और इसमें ये यदि आप जब दोनों डायरेक्शन में आपको SCR के सिमिलर करेक्टरिस्टिक चाहिए तो आपको ट्रैक की जरूरत होगी। जैसे देखो गेट यदि आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये टर्न ऑन हो जाएगा, नेगेटिव वाला करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में कर हो जाएगा टर्न ऑन। इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होता है, लगभग ब्रेक ओवर वोल्टेज जैसे से पहले वाले में था VO1, अभी VO2, इसीलिए करें क्योंकि इसमें दो है, ठीक है? जबकि SCR में क्या था, यहीं से इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा था, लेकिन ट्राइक में दोनों तरफ है। लेकिन इसमें क्या खासियत है, इसकी रेटिंग कम है, ठीक है? IG2 का वैल्यू देखो, ये सब IG2 ग्रेटर देन IG21, IG1 होना चाहिए। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, टर्न ऑन
गेट टर्न ऑफ और थायरिस्टर कैसे होंगे, ये देखो, टर्न ऑन बाय अप्लाइंग पॉजिटिव गेट सिग्नल और टर्न ऑफ बाय अप्लाइंग नेगेटिव गेट सिग्नल। ऑन स्टेट वोल्टेज 3.4 वोल्ट, ऑन स्टेट में 3.4 वोल्ट, जबकि सीआर में 1.5 वोल्ट ही ड्रॉप उसमें होता था, और 550 एम्पीयर 1200 वोल्ट जीटीओ, कंट्रोलेबल पीक ऑन स्टेट करंट आरटीजीक्यू, इट्स पीक वैल्यू ऑफ ऑन स्टेट करंट व्हिच कैन बी टर्न ऑफ बाय गेट कंट्रोल, एडवांटेज ओवर एससीआर, एलिमिनेशन ऑफ कम्यूटेशन कंपोनेंट, कम्यूटेशन मींस कम्यूट मींस ऑफ, कहने का मतलब ये है एलिमिनेशन ऑफ कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स, उसका जरूरत नहीं है इसमें, रिडक्शन इन एकॉस्टिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ चॉक्स, फास्टर टर्न ऑफ देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज, फास्टर स्विच ऑफ होता है इसीलिए जहां जरूरी हो गया हायर फ्रीक्वेंसी क्यों वहां इसको यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी ऑफ कन्वर्टर। That's all. इससे हम लोग अभी देखे हैं जो कैसे SCR से हम लोग ट्रैक का देखे, फिर हम इसके आगे डायक भी हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डायक को समझें।